नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी देश भर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मुहर्रम के मातम का एहतमाम किया गया। अगर बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहां मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौमे आशूरा के जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मातम करते नजर आए। इस दौरान लोग गमजदा होकर हजरत इमाम हुसैन की याद में रोते हुए नजर आ रहे थे। इस मौके पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद कलवे जव्वाद से बात की। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा का भव्य जुलूस, यहाँ पर इमाम हुसैन और 72 शहीदों की याद में मातम मनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना कलवे जव्वाद साहब, जानेंगे इस त्यौहार के बारे में जो मातम मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जुलूस निकल रहा है इस वक्त, ये आशूर का जुलूस कहलाता है। ये मुहर्रम का 10वां दिन है कि जिस दिन आज से तकरीबन 1350 साल पहले इमाम हुसैन कर्बला के मैदान में शहीद कर दिए गए थे। अकेले वो शहीद नहीं हुए थे, उनके बेटे, उनकी औलादें, उनके भांजे, उनके भतीजे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक 6 महीने का बच्चा भी था जिसका नाम अली असगर था, जिसको तीर मारा गया था जदीदी फ़ौज की तरफ से, उसके गले पर लगा था। ये इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इमाम हुसैन ने दी हैं कि आज तक ऐसी कोई कुर्बानियाँ दे नहीं सका। सिर्फ यही नहीं, 3 दिन की प्यास थी, 3 दिन की भूख थी, सामने दरिया बह रहा था लेकिन उनको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, बच्चों को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, बच्चे सब प्यास से तड़प रहे थे। यहाँ तक इमाम हुसैन नन्हे से अपने लिए को ले गए थे यदीदियों के सामने कि भाई अगर मैं तुम्हारी नज़र में गुनाहगार हूँ तो इस नन्हे से 6 महीने के बच्चे की क्या खता है, इसे तो पानी पिला। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजिडी थी ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजिडी थी कि 6 महीने के बच्चे गले पर तीर मारा गया और उसका पूरा वो तीन नोकों वाला तीर था, जिसके लिए कहा जाता था कि अरब जो थे वो जंगलों में जो बड़े जानवर होते थे उनके शिकार के लिए वो तीर को इस्तेमाल करते थे। जब शेर का शिकार कर रहा हो या किसी जंगली भैंसे का शिकार कर रहा हो या किसी बड़े जानवर, ख़तरनाक जानवर का शिकार, तो उस वक्त वो तीर मार का तीर इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ करबला वाले में यजीदी ऐसे थे कि नन्हे से बच्चे के लिए वही तीर इस्तेमाल करते कि जिसकी वजह से पूरा गला जो था कट गया था जब थे सर का, तो तस्वुर कीजिए बाप के दिल का क्या आलम हुआ होगा। मगर उसके बाद भी यजीद के सामने सर नहीं झुकाया, उन्हें तेरे सामने मैं सर नहीं झुका सकता, चाहे मेरे बच्चों को मार डालो चाहे मुझे मार डालो। आज भी इमाम हुसैन का पैगाम यही है कि न जुल्म बर्दाश्त करो और न किसी पर जुल्म करो, जालिम का साथ रह दो, मजलूम के साथ हमेशा रहो। यही इमाम का पैगाम है, यही हमारे लिए भी पैगाम है कि हमेशा मजलूम का साथ दो, जालिम के कभी साथ न दो। अगर इमाम हुसैन के इस पैगाम को सब मान लें तो आज दुनिया से जुल्म ख़त्म हो जाए, आज अत्याचार ख़त्म हो जाए। अगर इमाम हुसैन के इसको पैगाम को मान लिया जाए, इमाम हुसैन का पैगाम, और सबसे एक पैगाम ऐसा था जो हमारे लिए सबसे अच्छा था, वो पैगाम ये था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। यजीदियों से कहा था मुझे हिंदुस्तान जाने दो, कब कहा था? 1350 साल पहले। उस वक्त यहाँ मुसलमान नहीं थे, ना मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ था, ना नादिर शाह का हमला हुआ था, ना महमूद गजनवी का हमला हुआ था, किसी का नहीं था, यहाँ टोटल हिंदू आबादी थी। लेकिन उस वक्त बोला फरमा रहे कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो, इसका मतलब है वो हिंदुस्तान को मोहब्बत का प्रतीक समझते थे, वो हिंदुस्तान को हमने शांति का प्रतीक समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। किसी मुसलमान मुल्क का नाम नहीं लिया कि मुझे फ़लाँ मुसलमान मुल्क जाने दो मुझे अमन मिल जाएगा, फ़लाँ मुसलमान मुल्क जाने दो मुझे शांति मिल जाएगी, नाम लिया तो हिंदुस्तान का नाम लिया। इसलिए सबसे ज़्यादा गम इमाम हुसैन के हिंदुस्तान में मनाया जाता है और मनाया जाना चाहिए, और हर हुकूमत को ये उसका कर्तव्य है कि इन तमाम जुलूसों की जो है वो सेफ्टी का इंतजाम करें, क्योंकि इमाम हुसैन वो है जिसने हिंदुस्तान आने के लिए तमन्ना जाहिर की थी। लिहाजा हिंदुस्तानियों को उसकी कद्र करना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए। लिहाजा जहाँ जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में जुलूस उठ रहे हैं, यहाँ हिंदू भाइयों का कर्तव्य है,
यहाँ की गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि उनको कोई नुकसान ना पहुँच दे पाए, क्योंकि इनको नुकसान वही पहुँचाते हैं जो यजीदी हैं, जो यजीद के मानने वाले हैं। तो हमारा कोई भी हुकूमत करने वाले यजीदी नहीं हो सकता, उनका साथ नहीं दे सकता। हुसैनियों का साथ दीजिए, मजलूमों का साथ दीजिए, उनके मातम करने वालों का साथ दीजिए, उनके गम मनाने वालों का साथ दीजिए, यजीदियों का साथ हुकूमत को नहीं देना चाहिए। लिहाजा आप चाहते हैं कि अमन व सुकून के साथ, शांति के साथ सारे जुलूस उठते रहे, क्योंकि जुलूस ही शांति की प्रतीक है। ये जुलूस ही अमन का पैगाम है, इनको बाकी रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान को अमन का गहवारा समझ कर कहा था कि हम यहाँ आना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा पैगाम इमाम हुसैन का है हम हिंदुस्तानियों के लिए। वर्तमान कानून व्यवस्था की बात करें जो इस कार्यक्रम को लेकर है, जुलूस को लेकर है, क्या लगता है, संतुष्ट है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी लगते हुए है, 3-4 साल से बहुत अच्छी कानून व्यवस्था, कोई हल्का सा कोई भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन बात जगह ऐसा है, हमें देहातों गांव में मिला है कि वहाँ पुलिस जो है ये कमा का मातम करने से उससे रोक रही है। तो उसमें योगी जी से हम लोग मिल चुके हैं 2 साल पहले, उन्होंने कहा जो परंपरा है वो होती रहेगी, परंपरा के अगेंस्ट कोई चीज़ ना हो। तो ये 200 साल से सब मातम हो रहे हैं, लिहाजा हमारी पुलिस कर्मियों से गुजारिश है, जो पुलिस सलाहों से गुजारिश है कि परंपरा के जो अगेंस्ट उसको आप रोक दीजिए, लेकिन जो 200-300 साल पुरानी परंपरा है उस पर कोई बाधा बनना डालेंगे। हमेशा आपका संदेश यहाँ कारगर रहता है, प्रदेश की जनता को आपका सीधा संदेश क्या है? मैं प्रदेश की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन के सिलसिले में वो देखे आकर के उनका पैगाम क्या था, मोहब्बत का पैगाम था, शांति का पैगाम था। एक बात रहेगी, वहाँ हर कर्बला में हर धर्म का आदमी मौजूद था। आप हिस्ट्री पढ़िए, वहाँ शिया भी थे, वहाँ सुन्नी भी थे, वहाँ क्रिश्चियन थे, वहाँ भी कलबी एक नाम था उनका, वो क्रिश्चियन थे। इसी तरह से हुसैनी ब्राह्मण जो आपके बाप दादा थे वो वहाँ पर थे। तो इसका मतलब यह है कि तमाम जितने भी धर्म के लोग थे वो कर्बला में जमा हो गए। तो हम तो समझते हैं कि यूनिटी का जितना बड़ा दर्स सबक कर्बला ने दिया है, कभी किसी ने ऐसी यूनिटी का दर्स नहीं दिया है। इसी पर हम लोगों को चलना है, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो हिंदुस्तान के, चाहे कहीं के हों, उनको इमाम हुसैन के इस यूनिटी के पैगाम को, इत्तेहाद के पैगाम को अपने सामने रखना होगा। तो ये हमारे साथ मौलाना कबीर आजाद का कहना है कि यहाँ पर पैगाम शांति का है, संदेश का, एकता का है, और यहाँ पर उसी व्यवस्था को बनाए रखना है। यहाँ केवल एक संदेश दिया जाता है कि अमन से रहना है, शांति से रहना है, अहिंसा से रहना है, और अपने देश को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, और अपने देश को, अपने वतन को आगे बढ़ाना है। क्या पता दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, श्री भारत, लखनऊ। तो मुहर्रम का जुलूस था, पर अचानक एक दृश्य ने सबको अचंभित कर दिया, जब एक हिंदू याली और या हुसैन के नारों की आवाज बुलंद करते हुए मातम करते हुए दिखा। आपको बता दें कि लखनऊ में 10वीं मुहर्रम पर जुलूस के दौरान जब शिया समुदाय के लोग लखनऊ की सड़कों पर मातम मना रहे थे, उस वक्त शिव स्वामी सारंग भी वहां माथे पर तिलक लगाए मातम मनाते नजर आए और उन्होंने याली या हुसैन के नारों के बीच अपने गम का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हुए सभी धर्म के लोगों से इस तरह के आयोजन में शामिल होने की अपील भी की। जुलूस के मौके पर उन्होंने कहा, सी न्यूज भारत पर बोलते हुए उन्होंने कहा, वे इमाम हुसैन की शहादत के गम में शामिल होने आए हैं, क्योंकि इमाम हुसैन ने मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। देखिए, मैं तो रिवायतन मैं पीछे काफ़ी करीब 8-10 सालों से मैं लगातार मैं शांति का संदेश देता हूँ। जिस तरीके से महाभारत हुई, धर्म पे अधर्म हारा, धर्म जीता, उस तरीके से जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं और जिनको पानी मिला वो मर गए। तो कर्बला एक विश्व शांति का संदेश देती है। इमाम हुसैन सलाम की जो कुर्बानी है, जो उन्होंने अपने खानवादे के साथ करी, वो विश्व की सबसे बड़ी कुर्बानी है। और रिलीजन तो परसेप्शन है, आप रिलीजन को मतलब वट एवर यू परसीव दैट इज़ द रिलीजन। आपने इनके बाद मुझसे पूछा, ये आपका रिलीजन था, आपने उसको परसीव किया, तो मैं किसी रिलीजन के तहत मैं नहीं, मैं एक शांति का संदेश समाज में, हम सब लोग मिलजुल के रहें, एकता की इससे बड़ी मिसाल समाज में क्या होगी कि मैं मतलब कि फर्श अज़ा पे आके बैठता हूँ, मैं यहाँ पे खून का पुरसा देता हूँ और जनाब अपने संरक्षण में मुझे मेरा गिरबुआ वापस पहना के मुझे देते हैं। ऐसे ही अमनो चैन देश में बना रहे, विश्व में बना रहे, प्रदेश में बना रहे, आपकी आने वाली नस्लें शांति से रहें, कोई खलफिशार ना हो और सिर्फ एक धर्म को माने जो इंसानियत हो। सफर मेरा आपसे रहेगा कि यहाँ पर आपने बातें कहीं, जैसे शांति की बात कही, अहिंसा की बात कही, इस्लाम धर्म के बारे में बातें कही। हमने देखा है, अगर बकरीद की बात करें, ईद की बात करें, लोग शरीक होते हैं, पर हमने यहाँ पर आपको डेरा आपने बताया, हमको मुझे आपसे बड़ी जानकारी मिली, 10 साल से आप यहाँ पर
शरीक हो रहे हैं, मातम में शरीक हो रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? नहीं, महसूस तो गम करते हैं हम यहाँ गम, इट्स नॉट ए फेस्टिवल, वी आर हियर फॉर द मॉर्निंग। अभी एक आपके पत्रकार भाई ने पूछा आपको कैसे खुशी हो रही है, खुशी कैसे हो सकती है? जो महसूस तो गम करते हैं, हम गम में हैं, हम गम में पूरी कौम के साथ हैं, हम गम में जनाब के साथ हैं, हम इमाम हुसैन के गम में हैं। पर उस गम से जो शांति का संदेश जो निकल के जाता है उसमें अगर मेरे खून की छींट है वो समाज में नींव की ईंट की तरह काम करती है। हर बार का एक संदेश होता है, आपका संदेश क्या है? मेरा संदेश यही है जो मैं आपको पहली बार पीछे बात है, जो मेरी सारी बातें हैं वो एक एक बात एक एक कॉलम सिर्फ समाज के लिए संदेश ही है। अब बात अगर कानून व्यवस्था की करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी गंभीरता के साथ मुस्तैद दिखी, जहां ADCP पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, हमने बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया हुआ है। मुहर्रम की 10वीं तारीख का यहाँ जुलूस निकल रहा है, वहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करें तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और यहाँ पर विशेष व्यवस्था भी मौजूद है। जाने की कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, जिस तरह से देखा जा रहा है मुस्तैद है और फिलहाल यहाँ पर किसी भी अप्रिय घटना की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। यहाँ पर आज आशुरा का जुलूस निकाला जा रहा है और ये 10वीं मुहर्रम का जुलूस काफ़ी संवेदनशील होता है, इसको देखते हुए 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ लगाया गया है। पहले लेयर में हमारी जोनल और सेक्टर पुलिस व्यवस्था है, दूसरे पे हमारी मार्ग व्यवस्था है और तीसरे पर हमारी जो जुलूस के साथ व्यवस्था चल रही है। कुल मिला के करीब 36 डिप्टी SP और 12 एडिशनल SP और 15 कंपनी PAC, 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, बहुत सारा जो है नागरिक सुरक्षा संगठन और ट्रैफिक पुलिस और बहुत से लोग सादे में यहाँ लगाए गए हैं और अच्छे से ये कार्यक्रम निपट सके इसके लिए हम लोगों ने ड्रोन की व्यवस्था भी कर रखी है, रूफ टॉप ड्यूटीज़ की व्यवस्था कर लगा रखी है, हमारे स्ट्राइकिंग और रिजर्व फोर्स भी तैनात हैं। कुल मिला के ये अच्छे से बीतेगा। लखनऊ से CNews संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए CNews भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।